गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं वेक्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स करवाने जा रही हूं, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मींस कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछे जाएंगे। कोलिनियरिटी में दो पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, दो वेक्टर का कोलिनियर होना, दो वेक्टर का पैरेलल होना, तीन पॉइंट का कोलिनियर होना। दो ही टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर में, यूनिट वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप लास्ट लेक्चर पढ़ चुके, कोलिनियर वेक्टर आप आज के लेक्चर में करेंगे। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, 2 से 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दूंगी। पहले समझते हैं कोलिनियर का मतलब क्या होता है। को मींस लीन, को मींस सेम, लीनियर एक रेखा में, लाइन अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन क्या होता है समझ लेते हैं। यह कोई लाइन है, डेफिनेशन है वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन। इसी लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है, इसी लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है, इसी लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है, इसी लाइन के पैरेलल हो सकता है ये वेक्टर है। क्वेश्चन फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ती हूं। वेक्टर विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, ये 4 वेक्टर हैं। लाइन मींस एल वेक्टर। ये 4 वेक्टर हैं ए बी सी और डी। ये चारों वेक्टर पैरेलल है लाइन एल के, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पैरेलल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो मींस ये आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ऑल 5 वेक्टर्स आर कोलिनियर। डेफिनेशन क्लियर हुआ? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किस पॉइंट से बनेगा वो धीरे धीरे सिखाऊंगी। पहले मैंने थ्योरी बताई कोलिनियर वेक्टर कहते किसे हैं। कोलिनियर वेक्टर मींस वेक्टर पैरेलल टू सेम लाइन। दीज 4 वेक्टर्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। थोड़ा डिटेल में समझाती हूं यहां। पॉइंट नंबर 1 नोट। पहला हमारा पहला पॉइंट है, दो वेक्टर तभी कोलिनियर होंगे, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू लैम्डा ए होगा। बी इक्वल टू लैम्डा ए होगा मींस लैम्डा यहां क्या होता है, लैम्डा को डिटेल में बताती हूं। वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है और लैम्डा 0 भी हो सकता है। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 0 हो सकती है, -3/2 हो सकती है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -4 हो सकता है, 7 हो सकता है। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस डायग्राम की बात कर दूं, अगर मैं इसका नाम फिगर 1 देती हूं तो मैं बोल रही हूं इन फिगर 1 ये वेक्टर ए इस एल का हाफ तो नहीं है। अगर मैं इसे इतना मिटा देती हूं, अभी ये हाफ हो गया।
दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए लैम्डा पॉजिटिव होगा। वेक्टर ए इस एल का हाफ हो गया। वहीं वेक्टर बी की बात करूं, जस्ट ऑपोजिट है। अगर वेक्टर बी की बात करूं तो एल का 1/3 है, ऑपोजिट नहीं है। बी का जो डायरेक्शन है वही एल का डायरेक्शन है। अगर इसकी लेंथ 3 यूनिट है तो इसकी लेंथ 1 यूनिट होगी। इट मींस मैं बोल सकती हूं बी की वैल्यू 1/3 एल। अगर मैं सी की बात करूं, अगर मैं सी की बात कर लूं तो सी और एल, सी और एल की अगर बात करूं तो दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो सबसे पहले तो माइनस लगेगा, सी माइनस लगेगा और इसकी लेंथ फिर से हाफ दिख रही है, आधी दिख रही है इसकी लेंथ, तो सी की वैल्यू माइनस हाफ इंटू एल वेक्टर। लेकिन अगर डी की बात करूं तो सेम लेंथ है, डी सेम लेंथ है और डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या हर जगह ये रूल लग गया, ए और बी कोलिनियर होगा या पैरेलल होगा तो कोई एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स कोई दूसरा वेक्टर होगा। ये चारों वेक्टर लैम्डा टाइम्स एल वेक्टर हैं, जहां लैम्डा की वैल्यू हाफ है, 1/3 है, माइनस हाफ है और 1 है। एक और पॉइंट समझाती हूं, नोट का दूसरा पॉइंट समझाती हूं। लेट टू वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। मैंने मान लिया कि पैरेलल है। वेक्टर ए था a1i, a2j, a3k। वेक्टर बी है b1i कैप, b2j कैप, b3k कैप। क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल है, क्योंकि वेक्टर ए एंड बी पैरेलल है तो मैं लिख सकती हूं a इक्वल टू लैम्डा b, बी इक्वल टू लैम्डा ए भी लिख सकती हूं और ए इक्वल टू लैम्डा बी भी लिख सकती हूं। अब मैं एक रिजल्ट डेराइव करने जा रही हूं। ए मींस ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर बी मींस बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी मींस बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, B3K कैप। अब मैं इक्वेट कर लेती हूं। क्या इक्वेट करूंगी? मैं इक्वेट कर रही हूं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप बोथ साइड्स। मैं इक्वेट कर लेती हूं दोनों तरफ। इस तरफ है ए वन, इस तरफ है लैम्डा बी वन, इस तरफ है ए टू और इस तरफ लैम्डा बी टू, इस तरफ है ए थ्री और इस तरफ है लैम्डा बी थ्री। अब आप देख सकते हैं कि ए वन इक्वल टू लैम्डा बी वन, ए टू इक्वल टू लैम्डा बी टू। क्या मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल दूं? ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू लैम्डा, ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू लैम्डा, ए थ्री अपॉन बी थ्री इक्वल टू लैम्डा। तीनों क्योंकि लैम्डा के इक्वल है इसलिए ए वन अपॉन बी वन, ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री आ चुका। यहां से मैं कंक्लूड कर सकती हूं कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल रहे, आप यहां अच्छे से देखिए, मैं कंक्लूड कर सकती हूं कि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल रहेगा तो दोनों का डीआर
प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों का डी आर प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों का डी आर प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस मैं एक रिजल्ट लिख सकती हूं फॉर पैरेलल वेक्टर्स डी आर ऑफ बोथ वेक्टर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। और इसी रिजल्ट को मैं आज के सभी क्वेश्चन में यूज करूंगी। यही हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब कभी दो वेक्टर पैरेलल देगा, मैं दोनों का डी आर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस और इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर दूंगी। पैरेलल दे, कोलिनियर दे, हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब थ्योरी आप सीख गए, अब इस थ्योरी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कोलिनियरिटी रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन है चेक वेदर वेक्टर दिस आर कोलिनियर और नॉट। वी हैव टू चेक हियर दैट वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट। वी विल फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अगर इसका डी आर इसके डी आर का प्रपोर्शनल हुआ तो हम बोलेंगे यस वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर इसका डी आर और इसके डी आर का रेशियो प्रपोर्शनल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे नो वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर। यहां समझ लेते हैं चेक वेदर वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट। सबसे पहले मैं लिख लेती हूं वेक्टर ए 2i-3j +4k वेक्टर बी -4i-6j -8k। मैं इसका टी आर लिख लेती हूं डी आर इसका 2, -3 और 4। और मैं इसके डी आर की बात कर लेती हूं -4, -6 और -8। हमें देखना है कि क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल है। मैं देख लेती हूं, मैं यहां भी देख लेती हूं और मैं यहां भी देख लेती हूं। हाँ ये -1/2 है, यह भी -1/2 है, यह भी -1/2 है। ये तीनों आपस में इक्वल है तो मैं बोलूंगी सिंस डी आर ऑफ बोथ वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। क्योंकि दोनों का डी आर प्रोपोर्शनल है मैं बोलूंगी इसलिए वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन था कि चेक करिए कि क्या वेक्टर कोलिनियर है। हमारा क्वेश्चन है कि चेक करिए कि वेक्टर कोलिनियर है या नहीं। क्योंकि डी आर प्रोपोर्शनल आ चुका है इसलिए मैं बोलूंगी कि यस वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। मींस क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर पैरेलल है, हमें सिर्फ स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। हमें बोलना है सिंस वेक्टर्स आर पैरेलल, क्योंकि ये वेक्टर पैरेलल है इसका मतलब दैट मींस डी आर ऑफ एबव टू वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों वेक्टर का डी आर प्रोपोर्शनल होगा। कैसे प्रोपोर्शनल होगा? ये इसका डी आर क्या है 8/a इक्वल्स टू -12/3 इक्वल्स टू 16/-4। 3 4 12 4 4 16। मैं सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करूंगी 8/a इक्वल्स टू -4 -4a इक्वल्स टू 8a इक्वल्स टू -2।
करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन में कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले, बात बिल्कुल सेम है। यहां पैरेलल बोला जाए या कोलिनियर बोला जाए, बोथ हैव सेम मीनिंग। जरा जल्दी से रिप्लाई करिए, होमवर्क वन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ओरल आंसर भी कर सकते हैं। एक नए पैटर्न का क्वेश्चन, क्या है नए पैटर्न का क्वेश्चन, वेक्टर ए 1 × i -1 × j, वेक्टर बी -2 i + m j। क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। क्वेश्चन कह रहा है सिंस वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, क्योंकि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, इट मींस दैट मींस डी आर मस्ट बी प्रोपोर्शनल। क्योंकि कोलिनियर है मतलब डी आर प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा मतलब ये 1 upon -2 = -1 upon m। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m × 1 −2 × −1, ये हमारा सिंपल और परफेक्ट आंसर हो गया। अभी मैं दो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे लेवल का तुरंत करवाने जा रही हूं। लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, ट्रिकी है और बच्चों को ऑप्शन टिक करने में परेशानी आती है, मींस वो मिस्टेक कर देते हैं, समझ लेते हैं। चूज करेक्ट ऑप्शन, पहले तो इसको देखिएगा, कभी करेक्ट पूछता है तो कभी इनकरेक्ट पूछता है। पहले ऑप्शन पर विचार करती हूं, ट्रू या फॉल्स, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। देख लेते हैं, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस ए है, क्या ये दोनों कोलिनियर है? यस, ये दोनों पैरेलल भी है और कोलिनियर भी है, मींस ये ट्रू हो गया और करेक्ट ही चूज करना था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि क्या बी फॉल्स है, क्या सी फॉल्स है, क्या डी फॉल्स है। मैं जानना चाहती हूं बी सी डी ट्रू है या फॉल्स। देख लेते हैं ऑप्शन बी, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। गलत, ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, ये कोलिनियर तो है लेकिन मैग्नीट्यूड तो अलग है। मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, इसकी लेंथ अगर 4 यूनिट है तो इसकी लेंथ 6 यूनिट है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ठीक है, देख लेते हैं, एक ये वेक्टर है जिसकी लेंथ 2 यूनिट है, एक यह भी वेक्टर है जिसकी लेंथ 2 यूनिट है, मैग्नीट्यूड इसका और इसका तो सेम है लेकिन क्या ये कोलिनियर है? नो, इसका डायरेक्शन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड तो सेम है मतलब लेंथ तो सेम है लेकिन ये कोलिनियर नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन, दो कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। देख लेते हैं, एक ये वेक्टर है p और ये वेक्टर है -p, ये दोनों कोलिनियर भी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। थोड़ी देर के बाद मैं पढ़ाऊंगी इक्वल वेक्टर क्या होता है। दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं
जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी इक्वल हो। मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है, डायरेक्शन ओपोजिट है इसलिए नॉट इक्वल होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो चार में से कौन सा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देती हूं, ये रहा डी ऑप्शन, देख लीजिए मैंने डायग्राम बनाया। और अब मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूं, अगर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है तो इनकरेक्ट चूज करना, देखिए इंपॉर्टेंट, इस बार हमें गलत चुनना है, सही नहीं चुनना है, इस बार हमें गलत चुनना है। क्या होगा? होगा वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, होता है कोलिनियर होगा तो होगा, तो ऑप्शन ए तो ट्रू है। अब बी की बात कर लेते हैं, ए प्लस ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, क्या लैम्डा की वैल्यू प्लस वन हो सकती है? हाँ, लैम्डा तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, लैम्डा की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, यह भी ट्रू। सी देख लेती हूं, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। ऑप्शन सी कहता है नॉट प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो नॉट कोलिनियर होगा। इट मींस क्वेश्चन में बोला है कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होंगे, नॉट प्रोपोर्शनल बोला है तो गलत होगा, सी ऑप्शन फॉल्स हो गया। अब मैं डी की बात कर लेती हूं, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये दोनों वेक्टर ए एंड बी का डायरेक्शन सेम होगा, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, दोनों का बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, सही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट दिख तो रहा है, मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ अलग है और इसकी लेंथ अलग है, तो भी तो ये कोलिनियर है, मींस कोलिनियर के लिए यह भी सही, यह भी सही, यह भी सही, तो गलत कौन सा ऑप्शन होगा? इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने को बोला, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपने देखा कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करती हूं, थोड़ा सा एम्प्लीफाई कर रही हूं, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूं, दो वेक्टर के जगह तीन पॉइंट की कोलिनियरिटी, मींस अब हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रही हूं, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट वही है, अभी थ्री पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस थ्री पॉइंट से मैं दो वेक्टर बना लूंगी, थ्री पॉइंट से दो वेक्टर बना लूंगी और पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगा लूंगी। समझ लेते हैं, तीन पॉइंट कोलिनियर है, मतलब ए बी और सी कोलिनियर, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन, इस तीन पॉइंट से दो को इनिशियल वेक्टर बना लेंगे, मींस ए बी वेक्टर पैरेलल है बी सी वेक्टर के, साथ ही साथ ए बी वेक्टर पैरेलल है ए सी वेक्टर के, ये वेक्टर पैरेलल है मतलब कोलिनियर है, जब कोलिनियर है तो मैं लिख सकती हूं
AB equal to lambda times BC. AB equal to lambda times AC. AB equal to lambda times BC. इसका एक और मतलब है. इसका मतलब है dr of AB vector and BC vector must be proportional. इसका साफ साफ मतलब है कि AB vector and BC vector का dr proportional. अब समझ लीजिएगा. अब नोट की दूसरी पॉइंट बताने जा रही हूं. अगर ये प्रोपोर्शनल होगा इसका मतलब AB पैरेलल BC होगा. आप तो जानते ही हैं क्या दो पैरेलल लाइन में कुछ कॉमन होता है? नहीं. रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन, ये और ये पैरेलल है. क्या ये दोनों कभी मिलेगा? क्या इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन होगा? नो. ये दोनों रेलवे लाइन पैरेलल होगी, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा जब दो वेक्टर पैरेलल होगा और उनमें एक पॉइंट कॉमन होगा, हैविंग कॉमन पॉइंट बी, देन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर. तीसरा बात, एक और रास्ता, या तो मैं दो वेक्टर बना लूं और कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगा लूं, या फिर मैं मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट लगा लूं. मैग्नीट्यूड मींस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ इक्वल टू इसकी लेंथ होगी. कोई जरूरी नहीं है कि बी बीच में ही हो. अगर इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 5 है, टोटल की लेंथ 7 है, यानी एबी का मैग्नीट्यूड प्लस बीसी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एसी का मैग्नीट्यूड हो तो भी हम बोलेंगे, अगर ऐसा हो तो बोलेंगे पॉइंट्स, तो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर. अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे पॉइंट्स ए बी एंड सी आर. मैं दो मेथड सिखाई. पहला, तीन पॉइंट से दो वेक्टर बना लिया जाए और कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए, या फिर इस तीन पॉइंट से ए बी बी सी ए सी निकाला जाए और ये कॉन्सेप्ट लगाया जाए. एक क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर. शो करके देख लेते हैं. ए बी और सी दिया हुआ है. ए बी सी ये तीन दिया हुआ है. मैं पहले ए बी वेक्टर निकाल लेती हूं. ए बी वेक्टर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल है बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. 2-1, 6-2, 3-7. इसका मैग्नीट्यूड आई कैप मतलब 1 का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट. अगर मैं बीसी की बात कर लूं, अब बीसी निकाल लूं, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल है सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. सी माइनस बी, 3-2, 10-6, -1-3. अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लूं, आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट 16 और 1 33. और लास्ट, अब मैं एसी वेक्टर की बात कर लेती हूं. फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए.
3 minus 1, 10 minus 2, minus 1 minus 7, हो गया, एसी वेक्टर हो गया, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगी, आई कैप का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट और इसका 64, 128 और 4, 132, जिसे बोल सकते हैं 2√33, अब समझ लीजिएगा, √33 और 2√33, इसका मतलब AB का मैग्नीट्यूड BC का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो गया, ये √33, √33 हो गया। अभी अब समझने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये रहा, अब यहाँ समझ लेते हैं, this plus this equal to this आ गया, इसका साफ साफ मतलब है कि क्योंकि ऐसा आ गया इसलिए बोलूंगी hence points A, B and C are collinear proved। लेकिन ये तो एक मेथड हुआ ना, ये तो मैंने नीचे वाला मेथड यूज किया, अगर ऊपर वाला ये कॉन्सेप्ट यूज करूं, ये कॉन्सेप्ट AB और BC का प्रोपोर्शनल, ये तो बहुत शॉर्टकट में हो जाएगा। कैसे? एलिटर मींस अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा मेथड, AB वेक्टर हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, AB वेक्टर I plus 4J minus 4K, चाहे BC ले लें चाहे AC ले लें, AC ले लेते हैं, 2I प्लस 8j माइनस 8k, 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 8, माइनस 4 अपॉन माइनस 8, क्या ये तीनों इक्वल है? हाँ इक्वल है, means BR of AB and AC are proportional, इन दोनों का BR proportional है, that means AB parallel AC, ये दोनों parallel है, जिसमें common point A है, with common point A, hence points are collinear, with common point A, hence points are collinear, मैंने जो दूसरा method किया, वो बहुत छोटा सा था, question एक ही था, मैंने तरीका दूसरा यूज किया, मैं मूव करके आपको दिखाती हूं क्या लिखा हुआ, देख लीजिए, सेकंड मेथड देख लीजिए, क्योंकि DR प्रोपोर्शनल है इसलिए पैरेलल होगा विथ कॉमन पॉइंट A, क्योंकि कॉमन पॉइंट A के पैरेलल होगा हम लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट, थ्री पॉइंट्स से रिलेटेड मैंने तीन ऑब्जेक्टिव और लिए हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अगर AO वेक्टर और OB वेक्टर, मींस यहां गिवन है AO प्लस OB equals to BO plus OC, AO plus OB बन गया AB, BO plus OC बन गया BC, दो वेक्टर इक्वल है, मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दो इक्वल वेक्टर मींस दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, टू इक्वल वेक्टर मींस दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम एंड बोथ हैव सेम डायरेक्शन आल्सो, अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ए बी पैरेलल है बीसी के, अगर डायरेक्शन सेम है मतलब पैरेलल है, और बी कॉमन है।
with common point B, क्योंकि ये दोनों parallel है with common point B, hence points are collinear, इसलिए points A, B and C are collinear. कौन सा ऑप्शन होगा? कोप्लानर, कोलिनियर. बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन सिंपल था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बोर्ड में पूछा गया, यह भी बोर्ड में पूछा गया. मैं करवाऊंगी, ये आप खुद करेंगे, अच्छे से सीखिएगा. कह रहा द पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस. इस पॉइंट की बात कर लेती हूं, पॉइंट ए. आई कैप मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, जे कैप मतलब वाई कोऑर्डिनेट, के कैप जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट 40, वाई कोऑर्डिनेट -8, जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं. सी की बात कर लूं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं. क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर. यहां लिखती हूं, क्योंकि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये दोनों कोलिनियर है, दैट मींस ए बी पैरेलल होगा बी सी का. इट मींस डी आर ऑफ ए बी एंड बी सी मस्ट बी प्रोपोर्शनल. इसका मतलब इन दोनों का डी आर प्रोपोर्शनल होगा. मैं निकाल लेती हूं पहले ए बी वेक्टर, बाद में बी सी वेक्टर. फाइनल माइनस इनिशियल बी माइनस ए, 40 माइनस 60 माइनस 20 आई कैप, माइनस 8 माइनस 3 11 जे कैप, 0 माइनस 0. बी सी फाइनल माइनस इनिशियल सी माइनस बी, सी माइनस बी एक्स माइनस 40 आई कैप, माइनस 52 प्लस 8 माइनस 44 जे कैप, 0 माइनस 0 मींस इट विल बी 0. अब क्योंकि डी आर प्रोपोर्शनल है, मींस माइनस 20 अपॉन दिस वन माइनस 11 अपॉन दिस वन, 11 फोर जा, एक्स माइनस 40 इंटू वन माइनस 20 इंटू फोर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 80 प्लस 40, माइनस 80 प्लस 40 विल बी माइनस 40. क्या कोई ऑप्शन है एक्स इक्वल टू माइनस 40? यस, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्स की वैल्यू माइनस 40 ही होगी. अब हम लोग देख सकते हैं यहां कि अगर एक्स माइनस 40 है तो डी ऑप्शन करेक्ट. सेम पैटर्न का क्वेश्चन होमवर्क टू. यहां भी तीन पॉइंट कोलिनियर थे, यहां भी तीन पॉइंट कोलिनियर है. डियर स्टूडेंट, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और मैंने कहा कि यू आर करेक्ट, मींस अगर आप इसका सही जवाब देते हैं, मतलब आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख गए, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स. आप 10 सेकेंड का मैं टाइम देती हूं, आप ट्राई करिए. इक्वल वेक्टर्स, बहुत सिंपल. जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रही थी, टोटल 6 टाइप्स पढ़ाई थी, जिसमें 4 हमने कंप्लीट कर लिए इंपॉर्टेंट, 2 छोटे छोटे सिंपल टॉपिक बच गए जिसे हम लोग अगले 5 मिनट में फिनिश कर लेंगे. सबसे पहला है इक्वल वेक्टर्स. 2 वेक्टर इक्वल कब होता है? तो मैं बता दूं, वेक्टर के 2 कंपोनेंट हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. 2 वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल हो और दोनों का डायरेक्शन भी आपस में इक्वल हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है। मैंने लिखा है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। ये है हमारा वेक्टर ए, ये है हमारा वेक्टर बी, दोनों का लेंथ सेम है। लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है मींस पैरेलल है। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है। इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो मैं बोलूंगी यस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल होगा। एक और बात बता दूं, नोट, मैं मान लेती हूं कि ये है वेक्टर ए, ए वन आई ए टू जे ए थ्री के। मैं मान लेती हूं वेक्टर बी, बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। मैंने मान लिया ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, मैंने मान लिया कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसका कंपोनेंट भी इक्वल होगा, मींस ए वन बराबर बी वन, जे कैप का कोएफिशिएंट इसके जे कैप के इक्वल, इसका के कैप का कोएफिशिएंट इसके के कैप के कोएफिशिएंट के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ये दोनों वेक्टर, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल होगा मींस इसका रेस्पेक्टिव कंपोनेंट भी आपस में इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा, इसे लैंग्वेज में लिख देती हूं, दैट मींस देयर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, इसका मतलब इसका रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल होगा। ये बहुत सिंपल बात है, मैं इसे इसलिए सिखा रही हूं कि कभी कभार जो नहीं दिख रहा उसे मैं दिखा रही हूं। देख लीजिए रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर इक्वल। अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर बी, ए मीन्स दिस वन, बी मीन्स दिस वन, ये दोनों का दोनों इक्वल है मतलब पहला पहले के इक्वल है, इट मीन्स दूसरा दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स तीसरा तीसरे के इक्वल है। यहां से x तो 3 आ गया, y माइनस 2 आ गया और z माइनस 1 आ गया। पूछा क्या था, पूछा था x प्लस y प्लस z, हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, 3 प्लस दिस वन प्लस दिस वन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 0, कौन सा ऑप्शन है, b ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये पूछा गया, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 1 मार्क में पूछा, ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड ने पूछा, ये एनसीईआरटी में दिया है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से यही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये होमवर्क 3, तुरंत रिप्लाई करिए, होमवर्क 3 ऑप्शन ए बी सी और ऑप्शन डी। अब हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है अगर वेक्टर ए ऐसा वेक्टर बी ऐसा तो क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैं निकाल कर दिखा देती हूं मैग्नीट्यूड, ये ए है और ये बी है, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी रूट अंडर
तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी रूट अंडर चार का स्क्वायर तीन का स्क्वायर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ, मैं लिखूंगी। क्या ये इक्वल है? तो मैं लिखती हूं यस यस, ये दोनों इक्वल है। मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया यस, ये दोनों इक्वल है। एक काम हो गया। फिर पूछता है कि क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है। मेरे से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल है, यस और नो। यहां इक्वल होगा कि नॉट इक्वल? तो यहां नॉट इक्वल होगा, कारण आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के इक्वल होना चाहिए, तीन चार के इक्वल होना चाहिए। क्या यहां तीन और चार इक्वल है? नो, यहां तीन और चार इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी बिकॉज रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल। क्यों ये दोनों इक्वल नहीं है? क्योंकि बिकॉज रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल। अब हम लोग मेन तौर से इक्वल वेक्टर्स फिनिश कर चुके हैं। दो नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये जो क्वेश्चन अभी मैं ले रही हूं ना, वेक्टर की पहली क्लास में लेनी थी, मींस वेक्टर समझने के लिए। टू डिफरेंट वेक्टर्स मींस इक्वल वेक्टर नहीं लेने हैं, लेकिन वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इट मींस मुझे ये वेक्टर लेना है, इसका डायरेक्शन ये लेकिन लेंथ 5 यूनिट, मुझे ये वेक्टर लेना है जिसका लेंथ 5 यूनिट। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये दोनों वेक्टर डिफरेंट हो गए। मैं एग्जांपल ले लेती हूं वेक्टर ए। क्या एग्जांपल होगा? 3i cap - 4j cap। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 आ गया। मैं बी वेक्टर ले लेती हूं 3i cap + 4j cap, मैग्नीट्यूड तो इसका भी आएगा 5 ही। मैग्नीट्यूड तो सेम है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर अलग है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग है। इसके कंपोनेंट ये तो सेम है लेकिन ये कंपोनेंट अलग है, इसलिए यहां ए नॉट इक्वल टू बी है। ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। ऐसे आप 10,000 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 1 करोड़ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसने 2 कहा था इसलिए मैंने 2 लिखा है। यहां -3, यहां +4, यहां -4, यहां +3, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम मतलब पैरेलल, ऐसा लिखना है। ये सारे वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन तो सेम है, सेम डायरेक्शन मतलब चलिए यही ले लेते हैं, लेकिन ये वेक्टर अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड अलग है। इसलिए मैं कैसे लिख सकती हूं i cap j cap 3k cap। अब मैं इसमें चाहूं 2 से इनटू कर दूंगी, मैग्नीट्यूड तो 2 गुना हो गया लेकिन डायरेक्शन सेम रह गया। चाहूं तो 1/2 से इनटू कर दूंगी, तो मैग्नीट्यूड तो हाफ हो गया लेकिन डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड हाफ। मैं चाहूं तो 4 से इनटू कर दूंगी, 4i 4 2 जा 8 4 3 जा 12। इट मींस ए बी सी एंड डी, ये चार अलग अलग वेक्टर हैं लेकिन सभी कोलिनियर हैं, सभी लीनियर हैं, सभी पैरेलल हैं। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होने की वजह से ये वेक्टर डिफरेंट हो गया। क्लियर?
क्लियर हो गया। दो पूछा है, ये दोनों लिख दूंगी या ये दोनों लिख दूंगी या ये दोनों लिख दूंगी। अब एक लास्ट टॉपिक बचा, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर आखिर क्या होता है। अगर वेक्टर ए ऐसा है, इसका नेगेटिव क्या होगा। इस वेक्टर का नेगेटिव मतलब इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट मींस निगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहता है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, लेंथ ये भी सेम, ये भी सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू दैट, इसके ठीक ओपोजिट। फॉर एग्जाम्पल ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी ए वेक्टर, ये है ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। अगर ऐसा रिवर्स करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर वेक्टर ए है आई माइनस टू जे सेवन के, इसका नेगेटिव चाहिए, इसे माइनस से इनटू कर देंगे। मैंने माइनस से इनटू कर दिया, हो गया, ये हो गया वेक्टर ए और ये इसका नेगेटिव हो गया। टाइप्स ऑफ वेक्टर ओवर। अब आपका सजेशन वैल्यूएबल मेरे लिए कि क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर में और क्वेश्चन आप करना चाहते थे, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक में उसका ध्यान रखूं, या ये काफी है। वैसे अगर मेरी माने तो मैं मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन करवा रही हूं। अगर आप इतने क्वेश्चन सिर्फ कर लें तो होमवर्क की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको, मेरे बच्चे हैं, आपको फुल मार्क्स लाना है, 100 out of 100 लाना है, आपकी यही मंजिल है और मैं इसी में लगातार मेहनत कर रही हूं। ये होमवर्क बनाना होगा, एनसीईआरटी से भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से भी। इस पेज पर सॉल्व एग्जाम्पल 4-5, एनसीईआरटी 10.2 का 2, 3, 4, 11, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8 और एग्जाम्पलर के ये 3 क्वेश्चन, वो कौन कौन से 3 क्वेश्चन, 5, 24, 14 क्वेश्चन में। ये तीनों बुक हमारे सेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल है, वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप उस ऐप का लिंक चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और आपके किसी भी डाउट को मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपके 12th के बैच का एक ग्रुप भी है, आप बच्चों का एक ग्रुप है, वो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जुड़ भी सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करती हूं, थैंक यू।